हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको मेरा न्यू व्लॉग में। मैं अनिकेत सोलंकी। तो सारे भाई कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज लेके आया हूँ मैं अपनी ट्विन वरना, जो दोनों हैं। ये अपनी मैनुअल है और ये ऑटोमेटिक है, आपको पता ही होगा। ये मेरे वाली है और ये सार्थक वाली है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि दोनों में हमने क्या क्या फ़र्क है, सिर्फ वो बताएँगे कि हमने क्या क्या फ़र्क करवा रखा है, कि इसमें क्या अलग है और इसमें क्या अलग है, सिर्फ आपको वो बताएँगे। और मैचिंग की चीज़ें क्या क्या सेम वो भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सार्थक से पूछते हैं आज वीडियो में, क्योंकि मैंने तो आपको पहले बता रखा है मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या करा रखा है। बाकी जो अपडेट करा रखा है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी सार्थक से पूछते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं, सार्थक से पूछते हैं कि हम दोनों की गाड़ियों में क्या कंपेरिजन है, क्या फ़र्क है, मतलब सब बताएगा सार्थक आपको एक एक डिटेल में। चल भाई सार्थक स्टार्ट हो जाओ भाई, बता। मेजर डिफरेंस हमारी गाड़ियों में कलर का। पास आ जाते थोड़ा वीडियो। मेरा बेस कलर है जो गाड़ी का वो है स्टारडस्ट ग्रे। इस गाड़ी का कलर है स्टारडस्ट ग्रे और जो मेरे वाली है उसका कलर है ब्लैक। ठीक है, और क्या फर्क है? मेन डिफरेंस तो फ्रंट में हम ग्रिल का है भाई, दोनों की गाड़ी में ग्रिल का भी फर्क है। हाँ, ये कंपनी फिटेड ग्रिल है और मेरी में आरएस ग्रिल लगी हुई है। और अलॉय का डिफरेंस है, इसमें प्लाटी के हैं, मेरी मोमो के अलॉय हैं। भाई आपको दिखा देता हूँ मैं, सार्थक की गाड़ी में जो अलॉय है वो मोमो के हैं और मेरी गाड़ी में आपको पता ही है प्लाटी के अलॉय हैं। और क्या फर्क है भाई, इंची वगैरह में भी कुछ फर्क है या नहीं? इन सेम है, जे का फर्क है। ये जे का फर्क है, ये नो जे है भाई। जो सार्थक की गाड़ी में है वो है 8J और जो मेरी में है वो है 9J। कॉनकेव का फर्क है बस, बाकी सब सेम है। टायर भी सेम है, भी सेम है, फ्रंट लुक में लाइट भी सेम है। मोस्टली डिफरेंस हमें नहीं पता हमारी गाड़ी में क्या क्या होगा, सोचना पड़ता है भाई। थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ और साथ साथ सार्थक भी बताता रहेगा आपको। मैंने टायर स्टिकनिंग करा रखी है, भाई ने नहीं करा रखी है गाड़ी में। ठीक है, कलर मैंने आपको बता ही दिया दोनों का। मेरी गाड़ी का ब्लैक कलर है, उसका स्टारडस्ट ग्रे है। ये जो सार्थक वाली गाड़ी है ये SX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट है, मेरी SX प्लस है। ये मैनुअल है डीजल, मेरी ऑटोमेटिक है डीजल। और भाई इसमें सब कुछ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कीलेस एंट्री है, मेरी में नहीं है, ये देख रहे होगे आप। कीलेस एंट्री है इस गाड़ी में, मेरी में नहीं है, मेरी में की है। बाकी भाई इसमें वेंटिलेटेड भी कंपनी से आती है, मैंने बाहर से एडजस्ट करा रखे आपको पता ही है। वायरलेस चार्जर भी कंपनी से था इसमें। हाँ, इसमें वायरलेस चार्जर भी कंपनी ने भाई प्रोवाइड कर रखा है। बाकी फेसलिफ्ट तो हमने एक साथ ही कराया था। फेसलिफ्ट सेम है भाई, देख लो दोनों का। स्पीडोमीटर, स्क्रीन, डैशबोर्ड, एसी वेंट्स दोनों के चेंज है, दोनों ने 2021 फेसलिफ्ट करा रखा है। बाकी भाई थोड़ा बहुत सिस्टम में भी फर्क है दोनों की गाड़ियों में। सिस्टम में क्या क्या फर्क है सार्थक भाई? कंपोनेंट का फर्क है, एक तो इसमें आगे उसके हैं डाइची है, इसमें इन्फिनिटी है भाई। सार्थक की गाड़ी में इन्फिनिटी है रेफरेंस सीरीज और मेरी में है हार्ट्स के डाइची सीरीज। पहले हमारी में सेम थे, हाँ, जब व्लॉग बनाया था बाद में चेंज कराया था और एक अपडेट कराया, इसमें के सीरीज एम्बिएंट लगाई है। हाँ, इसमें हमने भाई के सीरीज की एम्बिएंट भी लगवाई है मेरी वाली में। ये देखो एम्बिएंट लगवाई भाई, बिल्कुल जो जैसे कंपनी से आती है ना, बिल्कुल डिट्टो है इसका, बस टाइम नहीं मिल रहा वरना ये। हाँ बिल्कुल सेम लगवानी है उसमें, वर्थ इट है ये, इस पे खर्चा करना, ये वर्थ इट है भाई खर्चा करना। ये देखो लुक उसमें भी लगवानी है, बस टाइम नहीं मिल रहा, कुछ 15 अगस्त में बिजी हो गए थे। बाकी भाई पीछे से दोनों की लुक देख लो, सेम स्पॉइलर, सेम डिफ्यूजर। डिफ्यूजर सेम था पर मेरे के ये जो कवर होते हैं ये गिर गए थे कहीं, एक गिर गया था तो भाई जैसे ये आप देख रहे होगे मेरी में क्रोम के कवर है दोनों साइड, ये ऑप्शनल होते हैं, निकल जाते हैं। तो सार्थक ने अपनी गाड़ी के निकाल रखे हैं, मेरा एक गिर गया था, इसका एक गिर गया था तो इसने दूसरा निकाल ही लिया ताकि दिक्कत ना हो। बाकी भाई सेम है, स्पॉइलर हमारा दोनों का सेम है, लिप स्पॉइलर दोनों ने ब्लैक PPF करा रखी है, सेम है बिल्कुल, सेम डिट्टो एक ही जगह से लगवा रखा है। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टर का भी फर्क है भाई, मेरे रिफ्लेक्टर की लुक ये है और सार्थक के रिफ्लेक्टर की लुक आप देख रहे होगे, ये सार्थक के गाड़ी में जो रिफ्लेक्टर है उसकी लुक है भाई। वूफर का भी फर्क है, दोनों गाड़ियों का वूफर दिखा देते हैं आपको। मैंने अभी अपग्रेड कराया है, पहले नहीं था मेरी गाड़ी में ये, शायद से आपको याद होगा पहले मैंने JBL का लगा रखा था और अब
ये किकर के लगवाए भाई हमने, L7 किकर की L7 सीरीज जो आती है। दो वूफर है मेरी में और सार्थक की गाड़ी में है वाइब का। वाइब का कौन सा है सार्थक? वाइब का ये 550 RMS है, वाइब का ही इसमें एम्पलीफायर है, ये वाइब का एम्प है भाई साथ में ही। और मेरी में दोनों किकर की चीजें हैं, मोनो एम्प है जो करता है 1500 RMS प्रोड्यूस, मेरा करता है 550 RMS। हाँ ये 1500 RMS प्रोड्यूस करता है और भाई जो सार्थक की गाड़ी में वो 550 RMS करता है भाई। भाई यही है मेजर मेजर जो छोटे मोटे डिफरेंस है हम दोनों की गाड़ियों में, बाकी तो बिल्कुल सेम है भाई। वेंटिलेटेड मैंने बाहर से लगवा रखी है, मतलब एडजस्ट करके बाइक में पहले से आती है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। बस ये मैनुअल है और मेरी ऑटोमेटिक है, ये फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है भाई। मैं आपको यही क्लियर करना था कि दोनों गाड़ियों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जो ये बोस नंबर लिखा हुआ है 8055, ये सार्थक वाली है और ये मेरे वाली है 2237। भाई अब बताता हूँ आपको जो मेन डिफरेंस हम दोनों की गाड़ियों में वो बताता हूँ आपको भाई। इस पर आपको पता ही है मैंने कमेलियन PPF कहाँ करा रखे, लिप बोनट साइड ग्लासेस सनरूफ और बूट पैनल। मेरी वाली गाड़ी पे सिर्फ इस पर कमेलियन PPF है और ये पूरी गाड़ी कमेलियन PPF है। आपको लुक की मैं वीडियो लास्ट में और स्टार्टिंग में दोनों में सिनेमैटिक लगा दूंगा, आप देख लेना। भाई बहुत भाइयों का डाउट था कि कौन सी गाड़ी किसकी है, मेरे को यही क्लियर करना था और डिफरेंस बताना था कि दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस है। आपने वीडियो देख ली हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। जो भी भाई नए हैं मेरे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका, लव यू।